सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। विदेश में छुट्टियां मनाने के बाद देश लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बुधवार सुबह राहुल ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। राहुल ने अपने ट्वीट में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से H-1B वीजा मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसके अलावा अमेरिका की ओर से कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर कहने पर भी विदेश मंत्रालय ने इसे सही ठहराया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी पिछले हफ्ते ही अमेरिका दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कई मुद्दों पर बातचीत की थी। दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में H-1B वीजा के मुद्दे पर कोई साझा बयान जारी नहीं किया गया था। वहीं अमेरिकी सरकार ने हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करते हुए कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर करार दिया था। इस पर कांग्रेस का आरोप था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमने कोई कब्जा नहीं किया है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।